पीटा के साथ इस कॉज से मैं इसीलिए जुड़ी क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं सेव द एलिफेंट कैप्टिविटी में एलिफेंट्स जो हैं एशियन एलिफेंट्स हैं उनके लिए मैं काम कर रही थी। मैंने यूरोप में काफ़ी फंड्स रेज किए हैं सारे कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स के लिए। तो पीटा ने मेरे इस काम को देख कर मुझे अप्रोच किया एंड आई थॉट वाई नॉट, बहुत ही अच्छा काम है क्योंकि पिछले साल आई थिंक तकरीबन एक साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे बॉम्बे के हाईवे में, जहाँ की एक टैंकर जो है एक एलिफेंट के साथ जाके टकराया था और उस हाथी को इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि कोई फर्स्ट एड उसको नहीं पहुँचाई जा सकी और उसको किसी भी तरह कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि उस हाथी को हॉस्पिटल वेटनरी हॉस्पिटल लाया जाए। एंड ये बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल से कि जिस हाथी को हम लोग इतने पूछते हैं, हज़ारों लाखों साल से पूछते हैं, उसी हाथी को हम इतने बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। हाथी के महोत् जो होते हैं अंकुश से हाथी को पूरे दिन बार बार मारते हैं। अगर आप जयपुर में जाके देखें तो हाथियों के जो ओपन वूंड्स हैं सिर पे, एंड जबकि अंकुश जो है बैंड है इन जयपुर, एंड बहुत बुरी हालात में हाथियों को रखा जाता है। एंड मैं इस कॉज को लेकर इसीलिए आगे आई हूँ बिकॉज आई लव द इंडियन एलिफेंट। मैं ईस्ट में रही हूँ जहाँ के हाथी बहुत फेमस है, रोग एलिफेंट्स हैं, झुंड में आते हैं और जो भी लोग ईस्ट ऑफ इंडिया में रहे हैं वो उन हाथियों के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और मेरी ये इच्छा है कि मैं इस किस्म के कॉज को दुनिया के सामने लाऊं, लोगों के सामने लाऊं, एंड गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इस किस्म का एक बिल पास किया जाए कि इसके बाद एलिफेंट्स को कैप्टिव ना रख सकें हम लोग, अगेंस्ट कैप्टिविटी ऑफ एलिफेंट्स। एंड ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट भी फॉर्म करना चाहती हूँ पीटा के साथ विच विल जनरेट मनी फॉर एक ऐसी सेंचुरी बनाया जाए जहाँ की एलिफेंट्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकते हैं।